दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो इस देश की, आजाद हिंदुस्तान की जो सियासत है 70 साल की, उसका सबसे बड़ा सुनियोजित घोटाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 8 लाख करोड़ रुपए के नोटबंदी नाम के घोटाले की। इसका जिन एक बार फिर से बाहर निकला है, आरबीआई द्वारा दिए गए आंकड़ों के रूप में, जिसमें बताया यह गया है कि 15,32,000 करोड़ रुपए के नोट जो है अब वापस आ गए हैं, और दावा यह था कि कुल 15,41,000 करोड़ रुपए के नोट चलन में हैं। तो मोटा मोटा हम सब इस बात को समझ सकते हैं कि लगभग सारा पैसा वापस आ गया, और इसमें अभी जो सहकारी बैंकों का पैसा है वो शामिल नहीं है। तो जो दावा किया जा रहा था 3-4 लाख करोड़ रुपए के काले धन का, वो कहां गया, ये सवाल सब पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। देश के प्रधान मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए कि इन नोटों को छापने में ही 20,000 करोड़ रुपए खत्म कर दिए। ये 20,000 करोड़ रुपए किसी के जेब से गए थे क्या, किसी नेता की जेब से? हमारा आपका पैसा था, देश की जनता का पैसा था, और इन 20,000 करोड़ रुपए की जो खर्ची हुई है, उसमें 2000 वाला जो नया नोट है, जो सो कॉल्ड बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, उसी को छापने में 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 20,000 में से 7,965 करोड़ रुपए सिर्फ इसी में खर्च हुए। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा, इसके बावजूद अभी भी बैंक के बहुत सारे एटीएम रिकैलिब्रेटेड ही नहीं है नए नोटों के लिए, यह स्थिति अभी बनी हुई है। तब याद आता है कि जिस दिन इस नोटबंदी नाम के 8 लाख करोड़ रुपए के सुनियोजित घोटाले की घोषणा हुई थी, देश में एक ही शख्स था, अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा था यह स्कैम है, ऑर्गेनाइज स्कैम है। कुछ को एक महीने बाद समझ में आया, और कुछ को एक साल बाद समझ में आया, और कुछ को अब समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, शब्द सर सही थे जब उन्होंने ये कहा कि आजाद हिंदुस्तान का 8 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा घोटाला है। मैं आप लोगों के सामने कुछ और फैक्ट्स रखना चाहूंगा, और उन फैक्ट्स के पहले के जो क्लेम्स है वो भी बताना चाहूंगा। क्लेम यह किया गया था कि नोटबंदी अगर होगी तो इससे आम आदमी का जो हाथ है वो भ्रष्टाचार से लड़ने में, काले धन से लड़ने में, और नकली नोटों की समस्या से लड़ने में मजबूत होगा, यह दावा किया गया। हकीकत क्या है भाई? हकीकत यह है कि जो करेंसी सर्कुलेशन में थी 13.1 लाख करोड़ रुपए की मार्च 2017 तक, यह बढ़ के 18 लाख करोड़ रुपए हो गई 2018 में, जो कि एक किस्म से देखा जाए तो 38% का इंक्रीज था। क्लेम यह किया गया, जेटली साहब ने अपने ट्वीट में यह बात कही थी कि हमको नोटबंदी के उद्देश्य को समझना पड़ेगा, नोटबंदी जो बड़े उद्देश्य को एड्रेस करने जा रही है उसमें इंडिया को एक टैक्स नॉन कंप्लायंट कंट्री से कंप्लायंट सोसाइटी में कन्वर्ट करने में मदद मिलेगी, जो अर्थव्यवस्था है जिसमें काला धन शामिल है उसको फॉर्मलाइज करने में हमें मदद मिलेगी। लेकिन हकीकत यह है कि 8 नवंबर 2016 को जो माननीय मोदी जी ने भाषण दिया था, उस भाषण में, नोटबंदी के भाषण में,
18 बार काले धन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद नकली नोट या काउंटरफिटेड नोट का शब्द का प्रयोग 5 बार किया गया था। और जिन उद्देश्यों का जिक्र भाजपा के पहली कतार के नेता आज करते हैं, उनकी कहीं भी नोटबंदी के 8 नवंबर वाले भाषण में चर्चा नहीं थी। तो अपने को बचाने के लिए लगातार गोल पोस्ट शिफ्ट करके देश की जनता को मूर्ख बनाने वाले माननीय मोदी जी ने जो वायदा किया था कि 50 दिन दे दो नहीं तो किसी चौराहे पे जिंदा जला देना, तो माननीय मोदी जी से देश के संविधान का सम्मान करने वाली जनता कहना चाहती है कि माननीय मोदी जी, हम आप जैसे निष्ठुर नहीं है कि नोटबंदी नाम के 8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में 150 लोगों की जान जाने के बावजूद भी जिसका दिल नहीं पिघला, कम से कम इस घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद किसी एक चौराहे पर आकर अपनी इस गिरी हुई हरकत के लिए, जिसे आपने बहुत एंबिशियस प्रोजेक्ट बनाया था, बताया था, इस घोटाले के लिए माफी तो मांग लेते आप। देश की जनता इस बात के इंतजार में है, उस चौराहे के नाम की घोषणा की प्रतीक्षा में है, जहां पे कम से कम थोड़ी बहुत शर्म शेष हो तो माननीय मोदी जी उनके मंत्रिगण आके माफी मांगेंगे। मेरे पास कुछ प्रश्न है इस देश के आम आदमी की ओर से, और वो प्रश्न ये है, और ये सारे प्रश्न माननीय मोदी जी के वायदों से उपजे, मेरे मनगढ़ंत प्रश्न नहीं है। इस देश का आम आदमी पूछना चाहता है कि माननीय मोदी जी, मैंने अपनी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई नोटबंदी में जमा की थी, आपका काला धन तो 3-4 लाख करोड़ रुपए का था, वो तो मेरे पास नहीं है, तो वो गया कहां? इस सवाल का जवाब इस देश का आम आदमी जानना चाहता है, जानना चाहता है। कहता है कि मैंने मेहनत और ईमानदारी की कमाई का अपना पैसा नोटबंदी में जमा किया था, मोदी जी बताओ आरबीआई की घोषणा के बाद नकली नोटों का जखीरा कहां गया? आप तो सब जब्त करने वाले थे। इस देश का आम आदमी कहता है कि मैंने अपने मेहनत और ईमानदारी की कमाई का पैसा नोटबंदी में जमा किया था, मोदी जी बताओ कि इस देश में क्या नक्सलियों की कमर आपके इस 8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले से टूट गई? इस देश का आम आदमी पूछना चाहता है कि माननीय मोदी जी, मैंने अपनी ईमानदारी का पैसा नोटबंदी में जमा किया था, आप बताओ कि आपके वादे के मुताबिक हमारे देश के जवानों का सिर काटने वाले आतंकवादियों के हौसले पस्त हुए क्या? कश्मीर की घाटी को अपने पत्थरों से लहूलुहान करने वाले उग्रवादियों के हौसले पस्त हुए क्या? यह सवाल इस देश का आम आदमी इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता है। आखिर में माननीय संवेदनाओं का हवाला देकर एक ही निवेदन करूंगा कि आपने कुछ न किया, लेकिन जो 100-150 जाने गई, जो रिपोर्ट हुई है, आपको इंसानियत का हवाला है। आप यहां बैठे बैठे मंगोलिया और पता नहीं कहां कहां किसी के देहांत पर ट्वीट करते हैं, एक बार अगर शर्म बाकी हो तो अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, चाहे मन की बात में, चाहे किसी रैली में ही, जो 100-150 लोग आपकी इस गिरी हुई योजना, इस देश को बर्बाद करने वाली, काले धन को सफेद करने वाली, और अपने उद्योगपति दोस्तों को और अमीर बनाने वाली, और देश के अंदर सुनियोजित तरीके से 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली इस योजना के नाम पर सामने आके देश की जनता से हाथ जोड़ के एक बार माफी मांग लीजिए। देश का दिल बहुत बड़ा है, मोदी जी आपको माफ कर देगा।